द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता पाने के लिए जद्दोजहद करती भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा है। दरअसल जो चुनावी सर्वे आए हैं उसने मोदी शाह की नींदें छीन ली है। खास करके दो राज्यों के सर्वे ने यह साफ कर दिया है कि वहां बीजेपी सत्ता में तो नहीं आ रही है। जहां सत्ता है वहां से तो जाएंगे ही, और जहां नहीं है वहां भी बीजेपी वापसी नहीं कर सकती, वहां आ नहीं सकती। यहां पर न्यूज 24 का एक ट्वीट देखिए, बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ का यह इलेक्शन सर्वे है। न्यूज 24 ओपिनियन पोल, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 55 से 60 सीटें मिलने का अनुमान है, बीजेपी को 30 से 35 सीटें मिलने का अनुमान, अन्य को मात्र 1 से 3 सीटें मिलेंगी। ये न्यूज 24 पिक्स मीडिया का ओपिनियन पोल सर्वे है और इसमें आप वो ग्राफिक्स भी देख लीजिए। कुल 90 सीट हैं और इसमें कांग्रेस को 55 से 60 सीटें मिल रही हैं, तो अंदाजा लगाइए कि सरकार किसकी बनने जा रही है। ये तो सिर्फ आंकड़े छत्तीसगढ़ के हैं। आपको यहां बता दें कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता फिसल चुकी है और यहां कांग्रेस जबरदस्त तरीके से सत्ता में आ रही है, ऐसा बताया जा रहा है चुनावी सर्वे में भी। हालांकि वोट फीसदी के बारे में जो बताया जाता है कि दोनों पार्टियों के बीच कोई खास अंतर नहीं रहेगा, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगी, यह भी चुनावी सर्वे में बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर राजस्थान को भी इसी कड़ी में जोड़ लें तो राजस्थान में भी सत्ता कांग्रेस बचा सकती है, क्योंकि काफी क्लोज फाइट सर्वे में बताए जा रहे हैं। तो इस संबंध में थोड़ा डिटेल में चलते हैं, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ की बात हो गई तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की भी बात हम लोग करेंगे। और जो चुनावी सर्वे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी समेत पूरे शीर्ष नेतृत्व की नींदें छीन रही हैं। छत्तीसगढ़ में तो आपने देखा ही कि कैसे यह जानकारी दी गई कि 220 बड़े नेताओं को चुनकर बीजेपी वहां छत्तीसगढ़ में काम में लगाने वाली है। सबको ड्यूटी दी जा रही है कि जाइए किसी भी हाल में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनवाइए। और तभी तो यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल खड़े किए और बीजेपी पर तंज भी कसा कि बताइए कि 15 सालों में इन लोगों ने छत्तीसगढ़ में इतने खराब काम किए कि स्थानीय स्तर पर कोई नेता नहीं बचा जो कि कोई चेहरा बन जाए या फिर उनके नाम पर आप वोट मांग लें। यहाँ तो बाहर से नेता मंगाए जा रहे हैं, सांसद मंत्रियों को काम पे लगाया जा रहा है कि किसी न किसी रूप में छत्तीसगढ़ में उन्हें जनता साथ देते। लेकिन आइए और देखिए कि छत्तीसगढ़ में क्या काम हुआ है। और इस वक्त जो सर्वे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि भूपेश बघेल यूं ही कॉन्फिडेंट नहीं है, जबकि वहां पर जनता के बीच उन्होंने जो भरोसा कायम किया है उसी का नतीजा है कि सर्वे में भी कांग्रेस वहां बढ़त बनाए हुए है। अब बात करते हैं ओवरऑल तीनों राज्यों के गणित की। यहां पर बताया जा रहा है एबीपी न्यूज के द्वारा हेडलाइन में कि असेंबली इलेक्शन 2023 सर्वे, राजस्थान में बीजेपी के साथ क्लोज फाइट, एमपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के फेवर में आंकड़े, जाने सर्वे की बड़ी बातें। तो वही बड़ी बात आपको जाननी चाहिए कि आखिर क्या हुआ है कि बीजेपी की हालत खराब हो गई है और कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जबरदस्त परफॉर्मेंस करते दिखाई पड़ने लगी है। वैसे भी राहुल गांधी ने डंके की चोट पर कहा था कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में हमारी सरकार बन गई है, आने वाले समय में वो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाएंगे, बीजेपी वहां पर मुंह ताकती रह सकती है, ऐसा राहुल गांधी ने उसी वक्त जानकारी दे दी थी। अब सर्वे भी आ रहे हैं और स्थिति राहुल गांधी की बातों के मुताबिक ही दिखाई पड़ने लगी है। यहां देखिए कहा जा रहा है असेंबली इलेक्शन 2023 सर्वे, साल के अंत में जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर बीजेपी और कांग्रेस का खास फोकस है। कारण है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जहां पार्टी अपनी अपनी सरकारें बरकरार रखना चाहती हैं, साथ ही जिन राज्यों में वे सत्ता में नहीं है वहां वापसी करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर बात तो यही होगी, लेकिन यहां अब स्थिति बदलती जा रही है।
क्योंकि जो ओपिनियन पोल आए हैं उस ओपिनियन पोल के अनुसार अब कांग्रेस के लिए पौबारा के सिचुएशन है, बीजेपी के लिए संघर्ष की स्थिति दिखाई पड़ती है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। यह बताया जा रहा है कि जो यह ओपिनियन पोल है ये टीवी ईटीजी ओपिनियन पोल है और दूसरा आईएनएस पोल स्टेट के ताजा सर्वे हैं। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं, राज्य में बहुमत का आंकड़ा 116 सीटों का है। ईटीजी के ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती दिख रही है। पोल के नतीजों में 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 118 से 128 और बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं दो सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना जताई गई है। ये एक सर्वे ने साफ किया है कि बीजेपी अब मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता नहीं बचा पाएगी। भले ही बीजेपी पूरी ताकत झोंक ले, उतार दे केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को, शिवराज सिंह चौहान का विकल्प तलाश ले, बावजूद इसके यह शुरू से ही तय बताया जा रहा था कि पार्टी वहां पर 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। यहां तो फिर भी 100 बताए जा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ खासी मेहनत की गई हो, लेकिन यहां बीजेपी की हालत खराब है। अब इसके अलावा आप आइए कि छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ में बताया जा रहा है कांग्रेस रहेगी बरकरार या वापसी करेगी बीजेपी सरकार। देखिए प्रेस स्क्रीन पर हमने आंकड़े तो बताए हैं आपको, 90 सीटें हैं वहां पर टोटल विधानसभा की और राज्य में बहुमत का आंकड़ा 46 सीटों का है। आईएएनएस पोल स्ट्रेट ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने ताजा सर्वे के जो आंकड़े जारी किए हैं उनमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती दिख रही। सर्वे के नतीजों के मुताबिक 90 विधानसभा सीटों में से 62 पर कांग्रेस और 27 पर बीजेपी को जीत मिल सकती है। News24 के सर्वे में भी आपने देखा कि कैसे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बढ़िया काम कर रही है और सर्वे भी उन्हीं के फेवर में जा रहे हैं कि चुनाव होंगे भी तो बघेल साहब अपनी सत्ता बचा लेंगे और यहां बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी। इस आपने आईएनएस पोल स्टेट के सर्वे में भी देख लिया है। अब आइए बात राजस्थान की भी कर लेते हैं। राजस्थान में क्लोज फाइट की बात कही गई है। यहाँ पे आंकड़े क्या है जरा देखिए। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं और राज्य में बहुमत का आंकड़ा 101 सीटों का है, यानी जो पार्टी 101 सीटें जीतेंगी उसकी सरकार बनेगी। लेकिन ताजा ओपिनियन पोल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बेहद करीबी लड़ाई का अनुमान जताया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ईटीजी के ओपिनियन पोल के आंकड़ों में 200 सीटों में से बीजेपी को 95 से 105 और कांग्रेस को 91 से 101 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें जाने की संभावना जताई गई है। यानी जो परिस्थिति है यहाँ बीजेपी को थोड़ी सी बढ़त दिखाई गई है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि राजस्थान में सत्ता 5 साल में बदलती रहती है और ऐसे में क्या बीजेपी यहाँ वापसी कर जाएगी, क्या उनकी सरकार वहां बन सकती है। इस ओपिनियन पोल को अगर देखें तो क्लोज फाइट है। तो हर बार ऐसा होता था कि एक ही पार्टी को ठीक ठाक सीट मिल जाती थी और वह सरकार बना लिया करती थी, लेकिन यहाँ पर परिस्थिति बदल गई है। इस वक्त कांग्रेस अपनी योजनाओं से जनता के दिलों में राज करने लगी है। गहलोत साहब के नेतृत्व में वहां कांग्रेस बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है। तो ये जो सर्वे आ रहे हैं ये क्लोज फाइट के हैं और जब थोड़ी दिनों के बाद कुछ सर्वे आएंगे हो सकता है कि बीजेपी फिर से वहां फिसड्डी हो जाए। कुल मिलाकर परिस्थिति यही है कि बीजेपी की नींद छिन गई है, मोदी शाह के होश उड़े हुए हैं कि सत्ता कैसे बचाई जाए और सत्ता में कैसे आया जाए। इस संघर्ष के बीच उनके हाथ से 3 राज्य निकल सकते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तेलंगाना में तो खैर उनकी सरकार बन भी नहीं पा रही है, लेकिन इन 3 राज्यों में बीजेपी की जहां पकड़ हुआ करती है वहां इनकी सत्ता गड़बड़ होती दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए फायदे की बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।